शनिवार को तो धनबाद में हद हो गई। शहर के हृदय स्थल बैंक मोड़ थाना क्षेत्र में गुरुद्वारा के पास फायरिंग की गई। ये घटना दोपहर 3 बजे के बाद की है। घटना स्थल से बैंक मोड़ थाने की दूरी बहुत नहीं है, बावजूद फायरिंग करने वाले ने दिलेरी का परिचय देते हुए फायरिंग की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस कहती है कि हवा में फायरिंग की गई, जबकि सूत्र बताते हैं कि सलूजा मोटर्स के मालिक को धमकाने के लिए फायरिंग की गई है। ये फायरिंग धनबाद पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, इसीलिए कि वो हमेशा भीड़ भाड़ वाला इलाका रहता है, लेकिन अपराधी आए, बाइक रोके और फायरिंग की, फिर चलते बने। तरीका वही पुराना ही था, लोगों को धमका कर रंगदारी वसूलना। सवाल ये उठता है, आखिर फायरिंग करने वालों को क्या जमीन निकल जाती है अथवा आसमान में उड़ जाते हैं कि उनका पता नहीं चल पाता और वो जब जहाँ जैसा चाहते हैं फायरिंग की घटना को अंजाम दे देते हैं। अभी 4-5 दिन पहले ही भोली थाना क्षेत्र के एक साइबर कैफे में दिन दहाड़े 3 राउंड फायरिंग की गई। साइबर कैफे के मालिक का सीधा आरोप है कि उसने घर के बगल में जमीन खरीदी है और उस जमीन के एवज में प्रिंस खान और उसका भाई रंगदारी मांग रहे हैं। रंगदारी नहीं देने के कारण ही फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया है। वैसे शनिवार को गुरुद्वारा के समीप की गई फायरिंग के संबंध में सोशल मीडिया पर एक पर्चा भी वायरल हो रहा है, जिसमें एक बार फिर प्रिंस खान का गुर्गा कथित मेजर फायरिंग की जिम्मेदारी ले रहा है। साइबर कैफे पर हुई फायरिंग के मामले में अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। वैसे तो अभी पूरे झारखंड में ATS अलर्ट है, बावजूद शुक्रवार को रांची में 2 हत्याएं हो गई हैं। 4 दिन के अंदर धनबाद में रंगदारी के लिए फायरिंग की दूसरी घटना घट गई है। धनबाद में फायरिंग सिर्फ धनबाद पुलिस को ललकार नहीं है, बल्कि धनबाद के अपराधी अब झारखंड पुलिस को भी अपने अंगूठे पर रखने की हिम्मत जुटा लिए हैं। देखना है आगे पुलिस का एक्शन क्या होता है। धनबाद से ब्यूरो रिपोर्ट।